दोस्तों इस सेशन में हम लोग डॉपलर इफेक्ट के ऊपर एमसीक्यूज और क्वेश्चंस करेंगे पहले हम डॉपलर इफेक्ट में देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला काफी है उसके कंसेप्ट को अप्लाई करके आप सीधे सीधे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो ढेरे फॉर्मुले रटने से अच्छा एक फॉर्मूले के कंसेप्ट समझ लीजिए और उससे सारे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारी फॉर्मूला एफ डैस इज इक्वल टू एफ एफ डैस का मतलब होता है ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो हमें ऑब्जर्व होती है और एफ क्या होता है दैट इज रियल फ्रिक्वेंसी माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस ये हमारा फॉर्मूला है अब इसमें दो चीजें ध्यान रखेंगे कि यहां पे इस साइड में आपका लिसनर लिसनर है का का मतलब velocity of the listener, और Vs का मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ऑफ द द और सोर्स एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एग्जैक्टली वी वेलोसिटी ऑफ द साउंड है अब आप किसी को भी मान लीजिए लिसनर रेस्ट पे है तो वीएल की वैल्यू आप जीरो पुट कर देंगे मान लीजिए सोर्स रेस्ट पे है तो वी एस की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे

इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे किसके के अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे सारे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं बस यह ध्यान रखना है तीनों की डायरेक्शन हमने सेम लिए है तीनों का मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स वेलोसिटी ऑफ लिसनर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड चलिए पहला क्वेश्चन क्या है साउंड

क्या मतलब हो गया इसका एक्जैक्टली exactly यहां पे मतलब हो गया कि सोर्स की सॉरी uh, ये तो फ्रीक्वेंसी गिवन है मैंने यहां पे गलती से uh, वो लिख दिया दोस्तों आई एम सो सॉरी दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द सोर्स जो हमें गिवन है वो v बाय टेन गिवन है v का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने पहले भी देख रखा है ये फ्रीक्वेंसी है आपकी द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने यहां पे वेलोसिटी गलती से लिखा था ओके okay.

जब टेन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दैट बिकम नाइन हंड्रेड अपॉन में नाइन तो हंड्रेड Hertz, मतलब हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी दैट इज हंड्रेड हर्ड्स बोल दें या हंड्रेड वाइब्रेशन पर सेकेंड बोल दें तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कैसे हम इस फॉर्मूले को एक ही फॉर्मूले को यूज करके बार बार चीजों को समझ सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दे दी फाइव हंड्रेड हर्ड्स ओके मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है ऑब्जर्वर मतलब लिसनर है सोर्स का मतलब वीएस है उसने बोला है विदोसिटी ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड मतलब वीएस दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड भी हमें लेंगे द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मतलब वी हमें कितना दिया है दोस्तों 330 मीटर पर सेकेंड दिया है द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी मित्रों ऑब्जर्वर के बारे में जानकारी नहीं दी है इसका मतलब ऑब्जर्वर भी यहां पे क्या होगा रेस्ट पे होगा मूव कर रहा होता तो उसके बारे में जानकारी दी जाती तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ डैश इज इक्वल टू एफ V V पे है v minus VS, VS का थर्टी मतलब हो, हो जाएगा 500, v हो जाएगा थ्री हंड्रेड ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा एक सौ दस तो हो जाएगा पांच सो पचास हर्ड उसको सुनाई देने वाली है दैट विल बिकम पांच सौ पचास हर्ड के आसपास आएगी पांच सौ पचास हर्ड्स का मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट तो हमें एक ही फॉर्मूला पर ध्यान देना है अगर कुछ भी रिवर्स होगा तो आपको पता लग जाएगा अभी आगे वो भी क्वेश्चन भी आएंगे कि कोई ना कोई डायरेक्शन रिवर्स होगी चलिए दोस्तों

ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ़ कार एक्चुअली। चलिए, है आपके पास ये थोड़ा सा है दोस्तों से एक कार, है, कार आ रही है कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से और किस फ्रिक्वेंसी को रिलीज कर रही है 120 को, 124 को. उसने बोला है साउंड इज रिफ्लेक्टेड साउंड इज हर्ड बाय द ड्राइवर अब साउंड इससे गई और वापस आई देखो दोस्तों इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा रहा बट एक कंडीशन बता दे रहा हूं। ऐसे केसेस में सबसे पहले दो केसेस बनेंगे इसमें एक तो यह कार हमारी सोर्स हो जाएगी और इस दीवार को पहले हम ऑब्जर्वर बना देंगे पहला केस ऐसे बनाएंगे फिर दूसरा केस हम लोग क्या बनाएंगे इस दीवार को हम लोग सोर्स बना लेंगे और सोर्स कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा होगा

मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस हमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा सुनाई देगी ज्यादा हमेशा मतलब न्यूमिनेटर ज्यादा न्यूमिनेटर में मतलब प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर को हमें कम करना पड़ेगा ऐसे याद रखना है इन टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये हमारा रिफ्लेक्टेड केस के जब भी साउंड रिफ्लेक्ट होगी रिफ्लेक्टेड केस में दोस्तों ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन ने एफ पूछा है वेलोसिटी ऑफ जो साउंड दिए है वो कितनी दी है दोस्तों द्री थर्टी ऑफ कार दिया है ट्वेंटी और चलिए तो हम लोग करेंगे. जो जो वो रिलीज कर रही है फ्रीक्वेंसी कितनी रिलीज कर रही है दैट इज वन ट्वेंटी फोर मित्रों हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास ऊपर कंडीशन आएगी तीन सौ पचास नीचे आएगी तीन सौ दस इंटू एक सौ चौबीस यस तो ये जीरो से जीरो कैंसिल वन फोर्टी वन फोर्टी हर्ड जो होगी वो सुनाई देगी तो आपको सीधे रिफ्लेक्टेड के केस में मित्रों ये ध्यान रखना है ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है तो आंसर क्या आ गया आंसर हमारा बहुत आसानी से आ गया वन 40 वाइब्रेशन पर सेकेंड तो कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में इसके ऊपर आप सीधे इनको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ड्राइवर इज ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ कार हमें दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्स द हिल यहाँ पे हिल आ गई पिछली बार दीवार थी कितनी फ्रिक्वेंसी से रिलीज कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है हमारी सिक्स हंड्रेड साउंड थ्री 330 मीटर पर सेकंड है तो sound, question, दूसरे तरीके से पूछा गया है तो आप निकाल सकते हैं भैया तो है, हम लोगों को क्या क्या पता है थ्री थर्टी प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्री थर्टी माइनस 30 upon 330 इंटू सिक्स हंड्रेड हर्ड्स तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे थ्री हंड्रेड इन टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा सात सौ बीस हर्ड्स आ जाना चाहिए आंसर अप्रोक्सीमेटली तो सेवन ट्वेंटी हर्ड्स दैट इज ऑप्शन ए विल बी एबसोल्यूटली करेक्ट तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आ गए होंगे ये रिफ्लेक्शन वाला अलग केस होता है दोस्तों बाकी मैंने आपको बताया है चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन ये लेकिन हम लोग दिमाग लगाएंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन सोर्स ऑफ ऑफ द द साउंड मूविंग विद स्पीड मीटर पर स्टेशनरी ऑब्जर्वर मतलब सोर्स हमारा 50 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है ओके दैट्स अ गुड थिंग मूव कर रहा है द ऑब्जर्व ऑब्जर्वर मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज मतलब सॉरी 1000 हर्ट्ज मतलब जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आई एफ डैस आई इस केस में पहले केस में वो हजार हर्ज आई ध्यान से समझना कंडीशन बोला गया है कि उसने ऑब्जर्व किया रिलीज कुछ और कर रहा होगा लेकिन ऑब्जर्व उसने भाई ने इतना किया आई I मीन mean, जो सोर्स था उसने इतना ऑब्जर्व किया वट विल बी द नेक्स्ट केस विल बी देंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स

माइनस फिफ्टी क्योंकि उसी की डायरेक्शन मूव कर रहा है तो दोस्तों ये हो जाएगी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी थाउजेंड दे रखी है ये एफ हमें मालूम नहीं ये हो गया थ्री फिफ्टी अपॉन में थ्री हंड्रेड तो ये हमारी एफ की कंडीशन जनरेट हो गई दूसरा केस क्या बोला है कि सब कुछ सेम है ध्यान समझिए बस इस बार जो सोर्स है वो अपोजिट में मूव कर रहा है वेलोसिटी इधर ही है लिसनर इधर ही है तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमें उसी फॉर्मुले में जो हमारे पास मैं दोबारा बताता हूं आपको एफ डैस इज इक्वल टू एफ माइनस वीएल अपॉन वी माइनस वी एस में माइनस वी एस करना है तो मतलब यहां पे जहां पे आपको वीएस दिख रहा है इसको रिप्लेस करना है माइनस वी एस और लिसनर तो जीरो हाई तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा v अपॉन ये तो जीरो हो गया v प्लस वी एस बन जाएगा ओके तो हमें एक सेकेंड हां जी हमें एक्चुअली में एफडैस की वैल्यू पूछी है उस केस में हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है एफ डबल डैश बोलते हैं इसको एफ डैश ऊपर यूज कर रहे हैं तो एफ डबल डैश एफ हमें नहीं मालूम कोई बात नहीं बी हमें कितना मालूम है थ्री फिफ्टी मालूम है और इस बार थ्री फिफ्टी प्लस अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है सेम स्पीड से पहले कितने से मूव कर रहा था फिफ्टी से मूव कर रहा था तो थ्री फिफ्टी प्लस फिफ्टी थ्री फिफ्टी प्लस फिफ्टी तो हो जाएगा एफ थ्री फिफ्टी अपॉन में फोर हंड्रेड तो यहां से दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट क्या करते हैं डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड कर देते हैं यस yes, कर देते हैं डिवाइड डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट बाय सेकेंड तो हमारी हो जाएगी एफ एफ ऊपर वाली जो इक्वेशन है आपको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि आपके लिए आसानी रहे ऊपर वाली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है थाउजेंड इज इक्वल टू थाउजेंड इज इक्वल टू एफ इंटू कॉपी कर लेते हैं एफ इंटू थ्री फिफ्टी बाई थ्री हंड्रेड ओके थ्री फिफ्टी बाई थ्री हंड्रेड इक्वेशन थी तो फर्स्ट बाइ सेकेंड कर रहे हैं तो हो हजार डिवाइडी डिवाइड बाई थ्री मतलब हंड्रेड और ये आएगी एफ वेट सो सॉरी हाँ जी एफ डिवाइड बाय कितनी आ जाएगी कंडीशन ये डिवाइड 400, थोड़ी कैलकुलेटिव है बच्चों एफ तो थ्री फिफ्टी F से थ्री F, फिफ्टी 350 350 ये हो जाएगा जीरो से जीरो तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री तो इसको जब आप एफ डैस की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री थाउजेंड डिवाइड बाई फोर थ्री थाउजेंड डिवाइड बाई फोर तो पंद्रह सौ का आधा कितना होता है साढ़े सात सौ सेवन फिफ्टी विल बी योर आंसर तो सेवन फिफ्टी कौन सा ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन

अगर जिसको भी रिवर्स करोगे उसके साथ माइनस साइन लगा दोगे मतलब वीएल को रिप्लेस करके माइनस वीएल लगाओगे तो एफ कितना हो जाएगा वी प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी हो जाएगा यस yes. तो आपकी जो स्पीड होगी दोनों की वी बाई टेन दी हुई है तो एफ डैश कितना आ जाएगा एफ डैश विल बिकम एफ v प्लस वेलोसिटी ऑफ लिसनर हो जाएगी v बाई और वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगी v बाई या yeah, v by 10 I'm sorry v by 10 और v by 10 आपकी दोनों ये हो जाएंगी चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जस्ट अ second जब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो f dash कितना आ जाएगा f f dash is equal to v मतलब हो जाएगा 11 by 10 v upon 9 by 10 v यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा v से v कैंसिल हो जाएगा 11 by 9 ऑफ टाइम्स ऑफ f का मतलब हो गया 1.22 एफ विल बी ओर आंसर वन पॉइंट टू टू एफ का मतलब हो गया ऑप्शन बी विल बी एप्सोल्यूटली करेक्ट इन दिस केस चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है अ मैन वॉचिंग टू ट्रेन यस दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अ मैन वॉचिंग टू ट्रेन वन लिविंग एंड अदर इज कमिंग विद स्पीड ऑफ फोर मीटर पर सेकेंड मतलब एक आदमी यहां पे मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है एक ट्रेन जा रही है मतलब ये जा रही है ये आ रही है और ये इंसान कहीं यहाँ पे खड़ा हुआ है यस yes. एक आ रही है फोर मीटर पर सेकंड से दूसरी आ जा रही है फोर मीटर पर सेकंड से मतलब दोनों की स्पीड फोर मीटर पर सेकंड है इफ दे साउंड देयर विसल्स दोनों एक दूसरे के साउंड मतलब ऑब्वियसली दोनों अपना हॉर्न बजाती हैं विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 हर्ट्ज द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड देखो दोस्तों इसमें बीट्स का भी कंसेप्ट आ गया अब आपको जाहिर सी बात है जो ट्रेन आ रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एफ वन सुनाई देगी और जो जा रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी सिंपल सा कंसेप्ट है और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी यही लेंगे वी और यहां भी वी लेंगे ये हमारा देखिए दोनों केसेस में हम ध्यान से समझेंगे समझो देखो दोस्तों हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लिसनर जीरो है पहले हम एफ वन निकालेंगे जब आ रही होगी एफ वन इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ ऑफ जो आ रही है v listener, जीरो है वेलोसिटी जीरो यस और जब आ रही होगी तो हमारी वेलोसिटी की साउंड वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आवाज आ रही होगी और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो होगी ट्रेन की वेलोसिटी जो भी दी हुई है मीटर पर सेकेंड वो सेम ही रहेगी यस दोस्तों वो हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ जो सोर्स है वो सेम ही रहेगा तो इसलिए सेम रहेगा तो उसमें माइनस साइन ही रहेगा हमने पहले डिस्कस कर लिया है तो वी माइनस वी ले लेंगे तो एफ हो जाएगा वी अपॉन वी माइनस या v अपॉन वी माइनस कितना है हमें गिवन है वेलोसिटी फोर मीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल टू फोर अच्छा एफ वन कितना हो जाएगा एफ वी वेलॉसिटी ऑफ साउंड कितना गिवन है मे? Velocity of sound, uh, 320 meter per second हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकंड हमें गिवन है यस yes, आप देख सकते हैं दिस इज 320 मीटर पर सेकंड या 320 ट्वेंटी अपॉन में थ्री हो जाएगा एफ वन अब हम दूसरा केस की बात करेंगे यस जस्ट अ सेकंड गाइस हम दूसरे केस की बात करेंगे दूसरे केस में क्या होने वाला है दूसरे केस में हम एक जनरल बात करेंगे कि समझो मेरी बात को ट्रेन यहां यहां जा रही है, रही है 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 वेलोसिटी 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 इधर आ पे हमारा सोर्स सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड को रेफरेंस में लेना होता है मैंने आपको पहले ही बताया देखो अगर तीनों सेम डायरेक्शन में थी वेलोसिटी ऑफ सोर्स वेलोसिटी ऑफ लिसनर और वेलोसिटी ऑफ साउंड अब तो ठीक था जिससे भी वेलोसिटी ऑफ Velocity of sound के जो भी reverse जाएगा उसके आगे minus sign लगा दोगे आप तो यहां पे जैसे ही आप माइनस साइन लगाओगे क्योंकि सोर्स तो अपोजिट जा रहा है तो कंडीशन क्या बन जाएगी f2 f2 सुनाई देगी f ऑब्वियसली वेसल का जो, मतलब जो frequency, वो ही है बोला है और सोर्स वी माइनस वी एस जीरो है और ऊपर हो जाएगा प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस बी हो जाएगा तो वी प्लस बी हो जाएगा और एफ हमें बताना है वी है ट्वेंटी अपॉन आ जाएगा 320 ट्वेंटी प्लस वी एस कितना है वीएस इज आउ मच हमें बताया है, फोर है तो ये हो जाएगा 320 ट्वेंटी अपॉन थ्री ट्वेंटी एफ और हमें निकालना कैलकुलेट क्या करना है मित्रों हमें कैलकुलेट करना है बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी एफ वन माइनस एफ टू एफ माइनस एफ टू कितनी हो जाएगी दैट विल बिकम एफ वन आपकी कितनी है थ्री ट्वेंटी एफ टू कितनी है थ्री ट्वेंटी माइनस थ्री ट्वेंटी फोर ऑफ एफ f की वैल्यू हमारी 240 दी हुई है क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमारे पास 240 हमारी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में गिवन है तो जब हम इसकी वैल्यू थ्री टू फोर्टी पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सिक्स हमें मिलेगी तो सिक्स बीट्स पर सेकेंड हमें सुनाई देगी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आ रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जो जा रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी दोनों के बीच में गैप निकालेंगे और गैप निकाल के हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन योर बीट्स सॉरी बीट्स डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है एट वॉट स्पीड शुड द सोर्स ऑफ द साउंड मूव मतलब सी so मतलब जो एफ डैस है दैट शुड बी एफ बाई टू एफ बाई टू एफ क्या होगा अब देखो हमें हमें जनरल कंडीशन लेनी है बस अब जनरली दोस्तों ध्यान से समझो कि यहां पर जो उसने बोला है सोर्स मूव करे ऑब्जर्वर के बारे में नहीं बताया है जब नहीं बताया है तो उसकी वेलोसिटी हम ले लेंगे जीरो अब आप ध्यान से समझो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स दिस इज वेलोसिटी ऑफ लिसनर दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड अब हमें फ्रीक्वेंसी अगर कम सुनाई देनी है सोर्स मूव कर रहा है, कर रहा है। अगर इसकी तभी हमारी फ्रीक्वेंसी कम एक्चुअल से सुनाई देगी इस कंडीशन को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन के विभाग से आपको समझना पड़ेगा इस बात को तो हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला सर एफ डैस इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी एलर जीरो है अपॉन बी माइनस माइनस बी एस क्योंकि अपोजिट होगी तभी एक कम सुनाई देगी मित्रों yes, तो और वेलॉसिटी ऑफ साउंड थ्री ट्वेंटी ले लेंगे तो यहन थ्री ट्वेंटी प्लस बी एस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थ्री ट्वेंटी प्लस वी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्स फोर्टी तो वी एस कितना आ जाएगा वी एस आ जाएगा सिक्स फोर्टी माइनस थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ओनली मतलब ओनली तो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ही मूव करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में वी की फॉर्म में आंसर दिया है इसलिए ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट तो आई होप आपको ये डॉपलर इफेक्ट के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है वी एस वी एल और वी जो V को अपोज करेगा उसी की उसको हम नेगेटिव साइन लगा के सॉल्व कर देंगे तो इस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स रन ज्वाइन कर लें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें आप डॉटर इफेक्ट के ऊपर मैंने इस चैप्टर को वेव्स के ऊपर सारे क्वेश्चन जो भी संभव थे आपको मैंने अच्छे से समझा दिया थैंक यू दोस्तों